शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बस। जाओ, मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो। और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़ और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी, जानता है ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई, नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी दो बार बताया, मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू चार खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ। और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर घुंगरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी मां है यार। चलो काम बंद करो। ए चल गए, चल। ये क्या हो रहा है? हमारे मजनू भाई को तू लैला बनाएगा? निकाल ए घाघरा, निकाल वहां से, निकाल ए तू चुन्नी, निकाल 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 जल्दी निकाल। अब तू लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई, मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तू क्या समझता मुझे? हाँ भाई भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे पांच खोखे चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो चार खोखे बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? हा? हा? एक करोड़ का पेट्रोल भाई? ठीक है ठीक है। अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो छह खोखे हो जाते। हाँ छह ही हो जाएगा। कल शाम के पांच बजे तक अगर तूने पांच खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी तीन की फैमिली छह हो जाएगी, समझा देना इसको। समझा, तीन का छह कैसे होता? अरे तीन लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? छह होंगे ना। चलो रे। देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ नेक लड़का चाहिए। लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया? क्या बताता? संजना एयरवेज। हाँ हाँ, संजना एयरलाइंस। संजना टेक्सटाइल्स। हाँ संजना टेक्सटाइल्स। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है, अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं सर, एक नहीं दो दो, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये पार्टी भी नहीं। सर बहुत बड़ी खुशखबरी है सर, आपके तो एक फोन ने काम कर दिया सर। वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस आप पर चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर। गवाह भी जान गया सर कि अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान को उड़ा डालेंगे। और बिल्डर ने भी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है, सेटलमेंट करना चाहता है सर। सर 2 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं, बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर। चल, 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 चल,
प्लीज अब तो माफ कर दो, और कितने दिन दौड़ोगे? क्या उदय भाई, कब से फोन लगा रहा हूं और आप क्या अंबानी को बंद करके बैठे ले हो? आज मैंने एफएम हुसैन का गेम बजा डाला। हाँ भाई, उधर देखो उधर। लगता है इंडिया वाली पार्टी भी भाग गई। भाई एक बात पूछू? ना पूछ। ये संजना आपकी सगी बहन है? सगी से भी बढ़कर है। हाँ वो तो है, लेकिन सगी सगी है। मैं ऐसा काला कलूटा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी दो शादी किया मेरा बाप। हाँ बाबा की तो दो शादी हुई थी, लेकिन अपनी संजना की एक भी नहीं हो रही। एक भी मतलब एक ही करनी है? हाँ वही तो, एक भी तो नहीं हो रही, लेकिन अभी हो जाएगी। आपके प्रॉब्लम का सॉल्व मेरी उस पेंटिंग में। हाँ वो लड़के को देख रहे हो? कहाँ है लड़का? अरे वही जो बॉनेट के ऊपर बैठा है। बॉनेट कहाँ है? लड़के के नीचे है। हाँ लड़का एकदम शरीफ है, शरीफ। ये शरीफ लोग बहुत बदमाश होते हैं, शराफत की जुबान नहीं समझते। हाँ इसीलिए तो। अब ये मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा, लड़के की कुंडली कल तक मिल जाएगी, और इस शरीफ शाने के घर वालों से मैं अपने स्टाइल में बात करूंगा। आप बीच में मत पड़ना। हाँ तो फिर हो गई शादी। देखिए आप हमारे साथ रिश्ता जोड़े या ना जोड़े, लेकिन मैं आप जैसे शरीफ लोगों को धोखा नहीं दे सकता। वैसे मैं हूँ तो डॉक्टर, लेकिन दो नंबर का धंधा भी करता हूँ, और मेरा भांजा जो है वो तो एक नंबर का छठा हुआ बदमाश है। शराब, जुआ, रेस, ड्रग, सच पूछो तो हम तो आपके खानदान के लायक नहीं है जी। क्या वो झटका लगा आपको? शराफत दिखाने के चक्कर में जोधपुरी कोट पहन रखा था ना, तो इस कोट ने मेरे गले की नली बंद कर रखी थी। और अब ये जो दो नंबर के धंधे की बात कर रहे हैं ना, हम तो डाली तीन चार पांच पता नहीं कहां तक पहुंच चुके हैं। अजी हमसे पुराना विलेन तो कोई है ही नहीं। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। अरे ये तो कुछ बात नहीं है, मेरा बाप 5-6 साल से अंदर है। वो मिनिस्टर का बेटा ना, क्या नाम है उसका? हाँ जो भी है जो भी है, उसको ड्रग सप्लाई किया करते थे। हरिदाल जी क्या खूब पहचाना है। वाह भाई वाह यार, अरे असली बाप है। अरे मां बोल ना। क्या बात है पंडित जी, क्या खानदान ढूंढा है। वाह और जहाँ तक याशी का मामला है ना, हमारी बेटी तो हमेशा पेज 3 पर ही दिखाई देती है। ये बात आजकल तो जमाना ही ऐसा हो गया है घुंघरू सी, कि आजकल किसी लड़की के 6-8 बॉयफ्रेंड ना हो तो उसे हॉट ही नहीं कंसिडर किया जाता। बात सही है, लेकिन ये हॉट दिखती नहीं है। डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस अंकल जी, यू वांट टू सी? देखा हॉट है कि नहीं ये? अरे बाप माता की, ये पंडित को क्यों मारा आपने? क्योंकि हमें ऐसा खानदान चाहिए जिस खानदान के दूर दूर के रिश्तेदारों ने भी जेल तो क्या पुलिस स्टेशन की भी शक्ल ना देखी हो। कमाल कर दिया आप, 2 घंटे से ट्राई कर रहा था मैं, 2 मिनट में करवा दिया। बताओ देखना, जिस लड़की के साथ भी इनकी शादी होगी ना, बहुत खुश रहेगी वो। ये बेचारा तो कम से हाथ में बैट लिए घूम रहा है, पर कोई बॉल डालने वाला तो मिले। अरे बॉल तो हजारों डाले गए हैं, लेकिन इनके जो मामा है ना डॉक्टर घुंघरू, गजब के अंपायर, हर बॉल नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल। अरे भाई क्यों राजीव को छेड़ रहे हो, इधर आओ सब लोग, केक काटने का वक्त हो गया। चलिए चलिए, हाँ चलो चलो चलो, आइए आइए आइए, चलो आ जाओ आइए, चलिए मेरे बच्चों को भी समझ। जी जी जी, एए, नो 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 नो, बेटा देखो रॉकेट टेढ़ा है ना, इसकी नाक में घुस सकता है, किसी के घर में घुस सकता है, सीधे करके उड़ाओ उसे। अरे अंकल ये मेरा रॉकेट है, टेढ़ा चलाऊंगा तो सीधा जाएगा। देखो ये अगर आप सीधा इसे रखोगे तो ये सीधा ही जाएगा। ठीक है लगा देता हूँ आप। वो भी पीछे हटो बेटा। अंकल ये देखो, ये उदय शेट्टी, भगवान
एक तुम्हारा भांजा है जो एक लड़की को पता नहीं सकता, और ये उदय शेट्टी जो बार बार फोन पे फोन कर रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इसका। भगवान से प्रार्थना के सिवा और क्या कर सकते हैं हम लोग। हे भगवान कुछ मदद कर। मैं कैसी मदद कर रहा है। अरे ये कहाँ चली गई। सुनिए मामी इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है। मुझे नहीं मालूम। अंकल बेटा घुंगरू अंकल क्या करूं क्या करूं मैं होश में आकर क्या करूं। साला जिस रिश्ते से हम पीछा छुड़ा के भाग रहे थे मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता हमारे पीछे पीछे ही भाग रहा। अब वो संजना डॉन डॉन उदय शेट्टी की बहन है। ओ माय गॉड। फिर से राजीव 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 बेटा। हाँ डॉक्टर साहब जरा चेक करना। ए चल बे शाने चल उठ। ए ओला ला रे कोट पकड़। देख आखिरी बार बोल रहा हूँ उठ जाने तो हमेशा के लिए उठ जाएगा। उठने के लिए थोड़ी बेहोश हूँ। नहीं उठेगा। गोली कहाँ है बे। ये जेब के अंदर है भाई। और घोड़ा उस जेब में। मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या। किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा देगा समझा। अरे भाई आपका गेम कौन बजा सकता है भाई। लेकिन घोड़ा और गोली एक साथ एक जेब में रखे ना भाई तो पता नहीं आप कितने लोगों का गेम बजा डालोगे भाई। ये लो ना गोली भाई। भाई ने गोली भर ली है। अभी भी टाइम है उठ जा घुंगरू नहीं तो। खाली नाम घुंगरू है मेरा लेकिन कोई बजा नहीं सकता मुझे। भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। इसकी पैंट उतारो। नंगा करो साले को। ठीक है भाई। डॉक्टर के सामने तो सब नंगे होते हैं और डॉक्टर को भी कर लो कर लो कर लो। भाई ये पहले से ही बहुत नंगा आदमी है अभी भी साला यूं यूं कर रहा है। भाई छोड़ो ना ये बीच वाले को मेन पार्टी से बात करते ना डायरेक्ट। मेरा हार्ट फेल कराओगे क्या। हार्ट फेल तो आप हमारा करवाने वाले थे। मतलब ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मजनू भाई ने आपको धमकी दे दी। दी है दिन दहाड़े दी है दुकान के अंदर आकर दी है। लगता है मुझे कल तक तो मेरा भी यही हाल करेगा मजनू भाई। मज्जू भाई अपना मज्जू भाई। अरे मतलब मज्जू भाई ने आपको धमकी। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। आप पहचानते हो उसे। लो अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। अरे आप एक बार मेरा नाम लेके तो देखते। मांगने की जगह ठंडा पिलाता उल्टा दे के जाता। नहीं मुझे उससे कुछ लेना नहीं है और मुझे कुछ देना भी नहीं है। कितने भोले हैं आप। जाइए तैयार होकर मेरे साथ चलिए। देखिएगा हमको देखते ही कैसे हमारे पैर पे गिरेगा धम। ये मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है खुद लाड़ में आ गया। मेरे दो आदमी की शादी क्या करवा दी। अपने आप को मेरा बाप समझने लगा तू। अरे भाई हम दोनों की बीवियां भी भाग गई। ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। हाँ ऐसी उल्टी सीधी शादियां करवा के बहुत पैसे कमाए ना तूने। शाम तक तू भी एक खोखे का बंदोबस्त कर ले। और तू सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच अब तू 5 नहीं 6 ला कर देगा समझा।
अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया, तू लाया, और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया। तू लाया, मेरे ऊपर भी तो एक पड़ गया ना। हर मुलाकात में वो एक खोखा बढ़ा देता है सर, और सबसे गलत बात तो ये है सर कि उसे हफ्ता कहता है। हफ्ता? अरे तो महीनों बरसों सदियों की कमाई होती है सर। प्लीज मुझे इस गुंडे इस बदमाश से बचा लीजिए सर, मैं बहुत मुसीबत में। उठिए आप, उठिए, बोल पर बल्ली, रोना नहीं। हाँ शेट्टी साहब, आपने बुलाया? आप। मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। घुंगरू जी, मेरे जी जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, इतना नेक काम करते पता हैं। है मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ सर, इसलिए मेरा हॉस्पिटल घाटे में जाता है। देखो ये ऐसे डॉक्टर हैं और तू है जो क्या है। शेट्टी साहब, मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का आदमी। पहचान के दोस्त है मेरे। फिर तो ये हमारे माए बाप हुए। मिस्टेक हो गया क्या? हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब तेरा काम हो गया तुझे। सर मैं जरा एक दो थप्पड़ मार दूं उसे, मेरा दिल कर। क्या बात है अंकल, आज बड़े मुस्कुरा रहे। अरे ऐसी जगह रिश्ता तय करके आया हूँ भांजे, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्यों पंडित जी, बताइए। माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट मैन यार शेट्टी साहब। सच पूछो तो शराफत की गंगा तो उनके बंगले से ही बहती है। शराफत की गंगा नहीं बहती है, खून की नदी बहती है। गोलियों से सुबह की शुरुआत होती है, गोलियों की गूंज से सर जी, और रात में जब तक 10-12 को लुड़का ना देना, खत्म नहीं होती रात उनकी। क्या बकवास कर रहे हैं? कसम शेट्टी साहब, डॉन है। डॉन? हाँ, गॉडफादर, परमात्मा। मजनू और शेट्टी साहब दोनों ने मिलकर फंसाया है आपको अपनी बहन के लिए, समझते नहीं। Sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है, क्या करूं मैं? क्या हुआ मामी? अरे मामी को छोड़ो, मामा कहाँ है? ब्रेक मारू, ब्रेक फेल है, ब्रेक फेल है, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मम्मी मैं कुछ कर लूंगा। हम नहीं उठेंगे। अरे उठना पड़ेगा तुम लोगों को, ब्रेक फेल हो गया है। हटो, हटो। खत्म हो जाएगा। हाँ जी, फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अरे गाड़ी को टो कर रहा हूँ मामा जी। अरे गाड़ी रो, राजी, भांजे,